हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर टू स्टार्ट विथ आवर मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 1 विच इज इंडेक्स नंबर। Now see, first of all, let us understand about the weightage of this chapter. Naturally, सबसे पहले question हमारे mind में क्या raise होगा कि board में कितने marks का ये chapter आएगा? तो weightage of this chapter is 12 marks. अब 12 मार्क्स कैसे वो मैं आपको समझा दूं। तो आपका जो बोर्ड का पेपर है इट इज डिवाइडेड इनटू 6 सब सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई और एफ। ये 6 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होगा। इसमें हमारा ये जो फर्स्ट सेक्शन है ए सेक्शन, उसमें You will be asked only MCQ. इसमें क्या होगा, 10 marks के 10 MCQ, मतलब कि 1 marks each. Section B में answering one sentence, 1 mark each. ये भी क्या है, 1 mark each. ये भी 1 mark each. अब C सेक्शन है, वहां से आपको प्रैक्टिकल सम स्टार्ट होंगे। B सेक्शन में भी शॉर्ट शॉर्ट सम, छोटे छोटे सम आएंगे, ऐसा नहीं ये नहीं आएंगे, पर ज्यादातर आंसरिंग वन सेंटेंस जो है वो थियरी के टाइप्स के रहते हैं, बट 2-3 शॉर्ट सम्स जो है वो पूछ सकते हैं। C सेक्शन में सम्स है जिसमें है 2 मार्क्स ईच। B सेक्शन में भी सम है 3 मार्क्स ईच। ई सेक्शन में भी सम है 4 मार्क्स ईच और एफ सेक्शन में भी सम है 5 मार्क्स ईच। तो ये डिवीजन हुआ आपके पेपर का। अभी हमारा जो चैप्टर है इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर के बारे में आपको सेक्शन ए में एक क्वेश्चन होगा, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन होगा, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन होगा, सेक्शन डी में एक क्वेश्चन, ई में क्वेश्चन नहीं होगा। इंडेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन, नाइदर थियोरेटिकल नॉर प्रैक्टिकल, विल बी कवर्ड इन सेक्शन ई। और अगेन एफ सेक्शन में एक क्वेश्चन होगा। तो 1+1 मीन्स 2+2 मीन्स 4+3 means 7+5 means 12. तो ये हुआ आपके चैप्टर का टोटल कवरेज। That you will be asked this chapter about 12 marks in the board exams. तो अभी 12 marks मतलब कि ये तो बहुत कवरिंग हुआ। तो ये जो है मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। इनफैक्ट मैं बताऊंगा कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है, पूरा का पूरा फर्स्ट पार्ट चैप्टर 1, 2, 3, 4, फर्स्ट पार्ट में जो है आपके 4 चैप्टर्स, चारों चैप्टर की पेपर स्टाइल सेम है, चारों चैप्टर जो है इसी तरह 12 मार्क्स के आएंगे। तो आपका फर्स्ट पार्ट का टोटल वेटेज कितना हो गया, 48 मार्क्स। और ये चारों के चारों चैप्टर जो है डैम इजी है। सेकेंड पार्ट आपका है 52 मार्क्स का, पर वो थोड़ा टफ है फर्स्ट पार्ट से, मतलब इतना कोई टफ नहीं है, बट फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट जो है वो लिटिल टफ, थोड़ा बहुत जो है टफ हम बोल सकते हैं। तो ये हुआ आपके पूरा पार्ट 1 का बाइफरकेशन क्लासिफिकेशन हमने देखा। अब हम हमारे ओरिजिनल पॉइंट्स पर आते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। तो व्हाट इज इंडेक्स नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, बिकॉज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर टर्म
only we can start the sums. So first of all, let us understand the meaning of index number. तो मीनिंग के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. लेट अस टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एन इंडेक्स नंबर. सपोज प्राइस ऑफ अ शुगर, प्राइस ऑफ अ शुगर इन ईयर 2015 वॉज रुपीज 30 पर किलोग्राम. वी आर जस्ट टेकिंग एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल. सपोज इन 2015 शुगर का प्राइस था 30 रुपीज एंड राइट नाउ दैट इज इन 2020 तो अभी शुगर का प्राइस क्या है, इट इज 40 रुपीज पर किलोग्राम. तो देर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. अब मुझे ये बताओ वेरिएबल मीन्स वॉट. See, variable means such a quality which can be measured numerically, जिसको आप numerically measure कर सकते हैं. ऐसा कोई भी characteristics क्या कहलाता है, variable कहता है. जैसे कि sugar की price है या और कोई भी commodity की price है, income of a person है, expense of a family है, import export of a country है, population of a country है. तो see all these can be measured in numerals. तो all such are called variable. तो ये हमारे पास एक variable है, price of a sugar. In the year 2015 it was rupees 30 per kilogram. In 2020 it has come to rupees 40 per kilogram. अगर हम देखने जाइए तो 2015 की कंपैरिजन में 2020 में देयर इज अ चेंज ऑफ रुपीज 10 पर किलोग्राम. सी वी कैन सी कि शुगर की प्राइस 2015 की कंपैरिजन में 20 में कितनी हुई, तो कि 10 रुपीज इंक्रीज हुआ, हम ऐसा बोल सकते. बट सी ये तो कोई रियलिस्टिक कंक्लूजन नहीं हुआ. इसको हम क्या कहते हैं, 10 रुपीज पर किलोग्राम इंक्रीज हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट मेथड ऑफ कंपैरिजन. दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेथड ऑफ कंपैरिजन. बट ये बहुत रियलिस्टिक नहीं हुआ कि रुपीज 10 पर किलोग्राम चेंज इन द प्राइस ऑफ शुगर इन कंपेरिजन टू 2015 इज नॉट रियलिस्टिक कैलकुलेशन. वी विल नॉट गेट एनी टाइप ऑफ कंक्लूजन फ्रॉम इट. बट नाउ सपोज इफ वी कंपेयर दिस टू प्राइसिंग्स दिस वे, द प्राइस ऑफ शुगर इज 40, इन 2015 इट वॉज 30 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारा आंसर आएगा 133.33. तो देखो मैंने यहां पर क्या किया, मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई बार किससे किया, 100 से. तो इट मींस देयर नाउ वी गोट द चेंज इन परसेंटेज. तो हियर आई कैन से दैट प्राइस ऑफ शुगर इन 2020 इन कंपैरिजन टू 2015 is 133.33%. और इसका मतलब क्या हुआ कि there is an increase of 33.33%. ये कैसे आया, 133.33 में से बेसिक परसेंटेज कितने होते हैं, 100. तो 100 को हम अगर माइनस कर दें तो बाकी कितना रहेगा, 33.33%. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन द ईयर 2020 प्राइस ऑफ शुगर इज राइज बाय 33.33%. इज दैट क्लियर. तो इसको बोलते हैं
ये मेथड हमारी कौन सी मेथड हुई? एब्सोल्यूट मेथड ऑफ कंपैरिजन। एब्सोल्यूट मेथड ऑफ कंपैरिजन क्या है? तो इट इज यूजलेस, प्रैक्टिकल नहीं, बिकॉज इफ वी से दैट देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10 रुपीज पर किलोग्राम, देन इट इज नॉट रियलिस्टिक कैलकुलेशन, नॉट रियलिस्टिक कंक्लूजन, वी कैन नॉट रीच ऑन एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन। तो ये जो मेथड है इसे कहते हैं रिलेटिव मेथड ऑफ कंपैरिजन। और रिलेटिव मेथड ऑफ कंपैरिजन इज मोर यूजफुल फॉर अस। ये मेथड हमारे लिए यूजफुल है, फर्स्ट वाला नहीं। एब्सोल्यूट मेथड में वी कैन नॉट रीच ऑन एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन, हम कोई कंक्लूड नहीं कर सकते। तो सेकंड मेथड जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और व्हेन एवर वी डू एनी कंपैरिजन बाय रिलेटिव मेथड, इफ वी एक्सप्रेस द चेंज इन परसेंटेज, देन सच परसेंटेज इज कॉल्ड एन इंडेक्स नंबर। तो ये हुआ इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज इंडेक्स नंबर, उसका पर्टिकुलर डेफिनेशन गिवन बाय डिफरेंट एक्सपर्ट। तो उसमें से एक डेफिनेशन हम देखेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, तो डेफिनेशन है द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर द गिवन पीरियड कंपेयर्ड टू इट्स वैल्यू इन अ डेज पीरियड इज कॉल्ड एन इंडेक्स नंबर। तो ये डेफिनेशन जो है आपको याद रखनी है, क्योंकि सेक्शन बी में हमारा एक क्वेश्चन है आंसर इन वन सेंटेंस। तो सेक्शन बी में ये लोग आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज इंडेक्स नंबर और डिफाइन एन इंडेक्स नंबर। तो इफ यू आर आस्क्ड दैट व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर और डिफाइन एन इंडेक्स नंबर, देन जस्ट डू राइट दिस टू लाइंस, दैट परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर द गिवन पीरियड compared to its value in a base period is called an index number। तो base year के साथ current year की value को compare करना है, और जो change percentage में reflect होता है that percentage is called an index number। अब भैया index number कैसे find करते हैं? एक example तो मैंने आपको बता दिया है, पर वो तो शुगर की प्राइस दी थी सिर्फ 2 years के लिए। नाउ सपोज इफ प्राइस ऑफ शुगर इज गिवन फॉर मोर देन 2 years, से फॉर एग्जांपल इट इज गिवन फॉर 3 years, लेट अस टेक वन हाइपोथेटिकल एग्जांपल दैट प्राइस ऑफ शुगर इन 2010, मैं थोड़ा ईयर चेंज कर देता हूं, वो सपोज 30 रुपीज। इन 2015 price of sugar is 40, and in 2020 means right now suppose it is 50। अब हमें ये तीनों चेंज कवर करना है। सपोज कि इन द ईयर 2015, सी वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन द ईयर 2015 प्राइस हैव कम टू 40 फ्रॉम 30, सो वी कैन से दैट 40 अपॉन 30 multiply by 100, so it will be 133.33. see here price of 15 is compared with the price of 2010, so 2010 is called our base year,
इसे हम क्या बोलेंगे, हमारा बेस ईयर बोलेंगे। अब जो 2020 की प्राइस है दैट इज 50 रुपीज पर किलोग्राम। अब देखिए आप इस प्राइस को दो तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, आइदर दिस प्राइस कैन बी कंपेयर्ड विद द बेस ईयर दैट इज विद 2010, और यू कैन कंपेयर इट विद द प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज विद 2050। तो भैया हमारा कंपैरिजन का दो मेथड हुआ, दैट आइदर चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी कंपेयर्ड विद बेस ईयर, और चेंज इन द वेरिएबल कैन बी कंपेयर्ड विद प्रीवियस ईयर। तो अगर हम कंपैरिजन बेस ईयर से करते, हर चेंज को बेस ईयर के साथ अगर हम नापते तो उसे कहते हैं फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, बिकॉज हमारा बेस कैसा हुआ, सेम हुआ, देयर इज नो चेंज इन इट। तो अगर हमारा बेस सेम है तो हम उसे कहेंगे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, बट अगर हमारा बेस प्रीवियस ईयर्स वैल्यू है दैट इज इफ दिस प्राइस इज कंपेयर्ड विद द प्राइस ऑफ 2050, तो इसका मतलब हुआ कि हम वेरिएबल को कंपेयर किसके साथ करते हैं, प्रीवियस ईयर के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, चेंज बेस इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर के लिए हमारे दो मेथड हुए, एक मेथड फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, दूसरी मेथड हुई चेंज बेस इंडेक्स नंबर। तो इतना समझ में आ गया, फिक्स बेस में क्या रहेगा, हमारा बेस फिक्स रहेगा, हमारा बेस फिक्स रहेगा, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, सी इसका नाम क्या है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, तो इसमें बेस कैसा रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। और चेंज बेस इंडेक्स नंबर मतलब इसमें हम चेंज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, 40 प्राइस को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, 30 के साथ, 50 प्राइस को किसके साथ कंपेयर करेंगे, 40 के साथ, तो इस तरीके से उसमें क्या होगा, ये चेंज बनेगी, और इसीलिए इसे कहते हैं चेंज बेस इंडेक्स नंबर। चलो अब हम दोनों की फॉर्मूला देखते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट फिक्स बेस इंडेक्स नंबर एंड हाउ टू फाइंड आउट चेंज बेस इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड, तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, तो इसकी फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल आपको दे सकते हैं, उसकी वैल्यू हमें लेनी है इन करंट ईयर, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो करंट ईयर की जो वैल्यू है उसे हमें किसके साथ कंपेयर करना है, बेस ईयर की वैल्यू के साथ, और हर साल में ये वैल्यू सिमिलर रहेगी, यही वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर को अगर हम P1 कहें, तो P1 वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन बेस ईयर को अगर हम P0 कहें, तो P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसे कहते हैं फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। अभी दूसरा चेंज बेस, तो चेंज बेस इंडेक्स नंबर तो अभी चेंज बेस इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं, इसमें हमें चेंज लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। चेंज लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा, वेरिएबल की वैल्यू किसके साथ कंपेयर करनी है, प्रीवियस ईयर की वैल्यू के साथ।
तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो इसकी फॉर्मूला हुई वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर अपॉन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर मतलब क्या? प्रीवियस ईयर, जो ईयर का कंपैरिजन हम कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर की वैल्यू कंसीडर कर ली है। सपोज ही यू आर कैलकुलेटिंग एन इंडेक्स नंबर फॉर 2020, तो आपको यहां पर वैल्यू कौन सी लेनी है फॉर 2019। इफ यू आर कैलकुलेटिंग एन इंडेक्स नंबर फॉर 2010, तो यहां पर वैल्यू कौन सी लेनी है 2019। तो प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग ईयर मतलब क्या? इमीडिएट प्रीवियस ईयर, इमीडिएट प्रीवियस ईयर, सो दैट इज कॉल्ड प्रीसीडिंग ईयर। सो दीज आर द टू बेसिक फॉर्मूले, राइट। तो अभी हमें इसके सम्स देखने, तो नेक्स्ट सेशन में अभी हम इसके सम्स जो है देखेंगे। चलो ठीक है, दैट्स इट।